पांडव और कौरव के बीच हमेशा से परेशानियां चल रही थी। कौरवों को पांडव कभी से पसंद नहीं थे। अब कहते हैं ना कि ऐसा नहीं है गलत कौरवों के साथ नहीं हुआ और ऐसा नहीं है गलत पांडवों के साथ नहीं हुआ, गलत दोनों के साथ हुआ। लेकिन गलत बन गया कौन? कौरव। क्यों? ऐसा कुछ भगवान साथ इसलिए थे क्योंकि वो अच्छे थे। आप आपके सलाहकार कौन है? आपकी जिंदगी में आपके सलाहकार कौन है ये बहुत मायने रखता है। पांडवों के साथ जब जब गलत हुआ वो श्री कृष्ण के पास गए और कौरवों के साथ जब जब गलत हुआ वो शकुनी मामा के पास गए और शकुनी मामा ने इतनी सी नफरत को जहर बना दिया था। और वो ये नहीं देख रहे गलत पांडवों के साथ भी। और भगवान सोचिए कितना भरोसा है पांडवों को भगवान पर। आज राज्य पर हक है पांडवों का, पर जब पांडव द्रुतक्रीड़ा का खेल करते हैं, सब हार जाते हैं, उनको वनवास होता है, वनवास के बाद वापस आ रहे हैं और भगवान शांति दूत बन के जा रहे हैं, तो पांडवों की तरफ से भगवान ने क्या बोला कि राज्य मत दो, पांच पांडव है ना, पांच गांव दे दो। पांडव अगर कह देते किससे पूछ के कह रहे हैं, हमारा राज्य है क्यों पांच गांव ले हम। लेकिन उनको भगवान पे भरोसा और भगवान को उन पे भरोसा है कि जो लायक होगा वो पांच गांव को 500 गांव कर देगा, जो नालायक होगा वो पूरे राज्य को भी खत्म कर देगा। एक विदेश में कोई बहुत अच्छे व्यक्ति है, कलाकार है, कहते कि उन्होंने अपनी पूरी जायदाद अपने मरने के बाद दान कर दी है और उनका बच्चा भी है। और जब उनसे पूछा कि आपने बच्चे के नाम पर क्यों नहीं किया, तब उन्होंने यही जवाब दिया कि लायक होगा तो मुझसे ज्यादा कमा लेगा और नालायक होगा तो मेरा भी उड़ा देगा। तो आज भगवान ने कितना भरोसा है उनको भगवान पे कि भगवान ने इतनी बड़ी बात कह दी कि पांच पांडव पांच गांव दे दो, वो उसमें ही खुश है। तो उनके सलाहकार कौन है? तो आपके जीवन में भी आपके सलाहकार कौन है बहुत मायने रखता है। तो अपनी अपनी जिंदगियों के शकुनी मामाओं से दूर रहो। है आपके भी जिनका काम सिर्फ नफरत फैलाना है? ऐसे लोगों से दूर रहिए जिनका काम केवल नफरत फैलाना है। नकारात्मकता दुनिया में ऐसे ही कम नहीं है कि हम भी शुरू हो जाएं। आप तो सकारात्मकता फैलाइए। अगर हर व्यक्ति टेंशन में घूम रहा है तो एक व्यक्ति तो बीच में होना चाहिए जो मुस्कुरा रहा है कि कम से कम उसको देखकर दुनिया मुस्कुराने लग जाए, वरना आपको लगेगा सब टेंशन में घूम रहे मैं भी टेंशन। थोड़ा सा आप मुस्कुरा दीजिए। तो अगर हर कोई बुराइयां ही कर रहा है, थोड़ी बड़ाई आप कर दीजिए। और मैं हमेशा कहती हूं कि जबरदस्ती की टिप्पणियां ना करें। जब तक कोई आपसे पूछने नहीं आ रहा कि भाई ऐसी ऐसी दिक्कत है मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तब तक आप अपनी राय अपने पास रखिए। किसी ने पूछा नहीं ना, क्योंकि आपको हर किसी की कहानी पता नहीं ना। चलो एक होता है कि आपको पता है, अपना परिवार का कोई है, कोई अपना सगा है जिसकी पूरी जिंदगी आप जानते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो कभी कभार आपने कुछ अच्छा कर भी दिया, वो भी एक अच्छे भाव से, नकारात्मकता तरीके से नहीं, अच्छे भाव से आप उनको कुछ समझा रहे हो भी गया। लेकिन आप जिनकी जिंदगियां जानते नहीं उन पर टिप्पणियां कर रहे हैं। एक बार एक ट्रेन में एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ जा रहा है और बेटा 20-21 साल का लड़का है, अच्छी उम्र है, बड़ा हो गया, 18 के बाद हम मान लेते बड़ा हो गया, अपनी जिम्मेदारियां खुद ले सकता है, काम कर सकता है, तो 21-22 साल का लड़का है और दूसरे सामने वाले बर्थ पे एक जोड़ा बैठा है, नया पति पत्नी है। अब जो लड़का है वो हर थोड़ी देर में, वो खिड़की के पास बैठा है, हर थोड़ी देर में अपने पापा से चिल्ला चिल्ला के कह रहा है पापा पेड़,
पापा बादल। एक बार, दो बार, तीन बार, सामने वाला जो जोड़ा उसको लग रहा है कि पागल है क्या बच्चा, इतना बड़ा लड़का है कैसी हरकतें कर रहा है। पिता कुछ बोल नहीं रहे, पिता और खुश हो रहे ऐसी हरकतों पर। पिता को तो और बोलना चाहिए कि चुपचाप बैठ, ऐसी कैसी हरकतें कर रहा है, डांटना चाहिए। तो वो एक बार, दो बार, तीसरी बार उनसे रहा नहीं गया ना, उनकी टिप्पणी बाहर निकल रही। बोले बोले हमको भी बोलना है। तो उन्होंने बोल दिया कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते। पिता ने कहा वहीं से तो आ रहे हैं। तो बोले क्या मतलब। बोले मेरा बेटा जन्म से अंधा था, आज उसको आंखें मिली। अब देखिए, जो चीज हमारे लिए साधारण है कि दुनिया है, पेड़ है, फूल है, आकाश है, वो उसके लिए कितनी नई है। उसको ऐसा लग रहा है आज पता नहीं उसको पूरी दुनिया मिल गई है। और उस खुशी में सामने वाला ये जानने की बजाय कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कितनी नकारात्मक टिप्पणी कर रहा है, बिना जाने कि उसके पहले की जिंदगी क्या रही है, उसने क्या किया है। इसीलिए जब तक आप किसी के जीवन के बारे में सब कुछ नहीं जानते, टिप्पणी मत करिए। जितना हो सके अच्छा बोलिए, खुशियां बांटिए। कहते ना, अच्छी बुरी दुनिया नहीं, अच्छे बुरे हम हैं। आप जैसे होंगे दुनिया आपको वैसे ही लगेगी। अच्छाई अच्छाई को टानती है, बुराई बुराई को टानती है, ये सच्ची बात है। आप खुश रहे, जैसे मैंने कहा आप मुस्कुराएंगे दूसरा भी आपको देख के मुस्कुराएगा। तो खुश व्यक्ति खुश व्यक्तियों को अपनी ओर खींचता है, दुखी व्यक्ति दुखी व्यक्तियों को अपने, रोने वाले दो एक साथ रोएंगे मिलकर। तो इसीलिए तो उनको भरोसा भगवान पर था, भगवान ने हर वक्त उनका साथ दिया। भगवान शांति दूत बनकर जाते हैं वनवास के बाद। जब वो वापस आए, भगवान कह रहे 5 गांव दे दो। दुर्योधन कहे सुई भर भूमि नहीं दूंगा, युद्ध के बाद ही मिलेगा जो मिलेगा। युद्ध होता है अंत में, हम सबको पता है पांडवों की जीत हुई कौरवों की। और ये तो सिर्फ नाम थे पांडव कौरव, धर्म की जीत हुई अधर्म की हार।